इंदौर में मेयर पद के लिए किसे टिकट दिया जाए, इस पर अब बीजेपी में संग्राम हो रहा है। इंदौर अब तक बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन के बीच बटा हुआ होता था, लेकिन अब दो और गुट के उभरने से पार्टी के सामने चुनौती। एक गुट सांसद शंकर लालवानी का है और दूसरा सिंधिया गुट के नेताओं का। इन दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने भी मेयर पद के टिकट की उम्मीद लगा रखी है। बीजेपी को अब इन चार गुटों के नेताओं को साधते हुए मेयर पद का प्रत्याशी देना है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जहां पूर्व विधायक गोपी कृष्णेमा, सुदर्शन गुप्ता और मधु वर्मा की पैरवी कर रही हैं, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदुला और जीतू जुराती के लिए मेयर का टिकट चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बीच शंकर लालवानी ने भी किसी नए चेहरे को टिकट देने की वकालत कर दी है। इन तीनों नेताओं के अलावा ज्योतिराय सिंधिया समर्थक भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं। शहर में सिंधिया समर्थक मोहन सेंगर भी मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको बता दें वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहरहाल ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन के बीच की तनातनी पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि पार्टी के बाहर भी दिखती रही है। ताई और भाई की लड़ाई में कई विधायक मंत्री नहीं बन पाए। इस बार भी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी रमेश मेंदुला का नाम मंत्री पद की दौड़ में आगे था, लेकिन मंत्री पद उषा ठाकुर को मिल गया जो दोनों गुटों से दूर है। ऐसे में मेयर पद के लिए बीजेपी ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकती है जो किसी गुट से ताल्लुक न रखता हो और हो सकता है कि पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।